हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई अंडरस्टैंड कि भरपूर तैयारी चल रही होगी, बहुत मेहनत चल रही होगी. हमारे बैच में भी बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है बच्चों की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, वो भी न्यू स्कीम में. काफ़ी कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टन है इसमें. एनीवे, इन सब के साथ साथ आपको कुछ डेडलाइंस का ध्यान रखना है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अब खत्म हो गई है 1 फरवरी को, और एग्जाम फॉर्म, ये लास्ट ही फॉर्मेलिटी है, एग्जाम फॉर्म फाइल करना बेहद जरूरी है. ओनली देन यू विल बी एबल टू अपीयर सिट इन द एग्जाम हॉल, राइट? उसकी भी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी, तो वो वीडियो में आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ. एनीवे, ये जो कंप्लीट वीडियो है, इसमें हमारे टीम मेंबर ने बहुत ही आसान भाषा में आपको एग्जाम फॉर्म फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस बहुत ही इलैबोरेट अच्छे से किया हुआ है. तो इसको देखें, स्टेप बाय स्टेप इसे ध्यान रखें, और वो जितनी भी बातें बताते हैं डूज एंड डोंट्स, उनका भी आप ध्यान रखिएगा. साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीए फाउंडेशन क्लासेस हमारे पोर्टल पे, जिसमें हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं न्यूज की, मोल्ड स्कीम के सभी के लेक्चर्स, आई मीन न्यू चैप्टर्स एंड ऑल द कॉमन चैप्टर्स ऑल्सो, अलॉन्ग विद रिविजन, वेरी गुड डाउट सपोर्ट, लाइव गाइडेंस सेशन, पर्सनल सेशन ऑल्सो. और अभी वी हैव बीन गिविंग क्वाइट अ फ्यू डिस्काउंट्स, और वो डिस्काउंट ऑलमोस्ट एंड होने वाला है. तो ये सभी डिटेल्स हैं उसकी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी क्लासेस की, इंक्वायरी नंबर्स वगैरह भी मिल जाएंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड प्लीज डू योर एग्जाम फॉर्म फाइलिंग अलॉन्ग विद वॉचिंग दिस वीडियो. तो आइए आज जानते हैं किस तरीके से सीए फाउंडेशन मई 24 के फॉर्म भरे जाते हैं. 2 फरवरी से 23 फरवरी तक आप विदाउट लेट फी फॉर्म फिल कर सकते हैं. 23 फरवरी के बाद 2 मार्च तक आप लेट फी के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं. अब बात करते हैं आईसीए स्टूडेंट लॉगिन पे आपको सर्च करना है. सर्च करके पहला लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है. क्लिक करने के बाद आईडी पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है. जैसे ही आपका डेटा फेच करता है, फेच करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम फंक्शन में फाउंडेशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक गाइडेंस मिलेगा, जो कि आप चाहें तो रीड कर सकते हैं. रीड करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करके ओके क्लिक करना है. जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फ़ोटो या सिग्नेचर दिखेगा. अगर ये नहीं दिखेगा तो आपको अपडेट करके फिर यहाँ पे आपको यस क्लिक करके ओके क्लिक करना है. फिर आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है. फिर आपको कुछ डेटा दिखेगा आपका, उसके बाद भी आपको नेक्स्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे मीडियम चूज़ करना है. मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लेता हूँ. उसके बाद जो भी आपका लोकेशन होगा, अपना लोकेशन यहाँ पे फिल कर लेना है, स्टेट, सिटी. तो यहाँ पे मैं अपना सिटी फॉर्म फिल कर लेता हूँ. सिटी में दोस्तों हम यहाँ पे वाराणसी डाल रहे हैं. आपका जो भी होगा आपको वो भरना है. यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, एक तो प्रोविजनल के लिए, एक रहेगा दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए. तो आप देख लेना यहाँ पे, अगर आपका प्रोविजनल रहेगा तो दोनों में आपको यहाँ पे एग्री करके आपको सबमिट करना है. फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है. सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डू यू वांट टू सबमिट योर एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यस करना है. यहाँ पे ओके क्लिक करके आगे बढ़ जाना है. फिर आपको पेमेंट का डेटा दिखेगा, जहाँ कि आपको 1500 पेमेंट करना है. कुछ इस तरह से पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एरर दिखेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है. इसके बाद आपको यहाँ पे कट करके आपको सबमिटेड और पेंडिंग फॉर्म पे क्लिक करना है. फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में एस है, मतलब सक्सेसफुल है. उसके बाद एक्शन बटन पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद यहाँ क्लोज कर लेना है. क्लोज करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और आप यहाँ पे इस भरे हुए फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं.